मनरेगा स्थित आकाशवाणी में किया गया 10 किलोवाट FL रील एवं केंद्र का शिलान्यास। पूर्व भाजपा सांसद रहे मौजूद भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मनरेगा से स्थित 10 किलोवाट FL वर्चुअल शिलान्यास चेन्नई से किया। पूर्व भाजपा बस्तर सांसद दिनेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किसानों के हित में हमेशा अच्छा कार्य किया है। इस FM रेल केंद्र के लोग सीधे तरह से प्रधानमंत्री से जुड़ सकेंगे और जिनके लिए बनाए गए योजनाओं की जानकारी ले सकेंगे। आज यहाँ पर आकाशवाणी FM ट्रांसमीटर 10 किलो वाट का खुलने जा रहा है और वनांचल क्षेत्र के होने के नाते यहाँ के जो लोग हैं, जो कूली मजदूरी भी करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, बांस कमाते हैं, अनेकों प्रकार की योजनाओं का जो है लाभ लेकर के जो है ना आगे बढ़ने का कोशिश लगातार बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंटा, इन सब क्षेत्रों में जो आकाशवाणी का जो काम है वो आगे बढ़ेगा और यहाँ के लोगों को जो जीविकोपार्जन के लिए जो भी सरकार के द्वारा वो किया जाएगा उन सबका लाभ उनको मिलने वाला है और उस लाभ के माध्यम से अनेकों प्रकार की योजनाओं को लेकर के वो अपने काम में लग सकते हैं और उनकी आय भी हो जाएगी और आय में वृद्धि भी हो जाएगी, उनका जीवन भी अलग प्रकार का रहेगा। क्योंकि हमारे पुराने उसमें रहे पूरे लंगोटी लगा के रहते थे, अब तो फुल पैंट शर्ट सब चीज़ करके साइकिल है, मोटरसाइकिल है, फटपटी है, ट्रैक्टर है, सारा चीज़ है। उन सारी योजनाओं के माध्यम से जो है ना आगे बढ़ने के लिए हम बस्तर संभाग के लोगों को माननीय मोदी जी आज चेन्नई से वो अपना वो कर रहे हैं और मैं समझता हूँ आज हमारे जो लोग बैठे हुए हैं सब अपनी अपनी कोई ना कोई धंधा पानी में लगे हुए हैं और अच्छा इनकम भी जनरेट हो रहा है। तो मैं आकाशवाणी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके इस वो होने से और हमारे लोगों को जो है ना राहत मिलेगा और हमारे खेतिहर मजदूर और बाकी लोग को भी इसका लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। आज हमारे जनपद पंचायत तोकापाल में, ग्राम पंचायत बड़े मारंगा में आकाशवाणी FM ट्रांसफार्मर 10 किलोवाट का आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है और हमारे क्षेत्र के लोगों को, किसान को, गरीब को, हर किसी को इसका फायदा मिलने वाला है। लगभग 150 किलोमीटर के दायरे पर इस आकाशवाणी के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी और हमारे लोगों को इस क्षेत्र में जंगल एरिया है वहाँ पर भी आज यहाँ उद्घाटन के होने से हमारे मोदी जी के द्वारा बहुत ही बढ़िया इस क्षेत्र के लोग को विकास होगा और इस क्षेत्र के लोग को लाभ मिलेगा। आप एक कृषि सभापति हैं, चालू होने से किसानों को इससे क्या लाभ मिलेगा? आज हमारे मोदी जी के द्वारा, हम देश के प्रधानमंत्री के द्वारा हर गरीब, हर किसान को किसान कार्ड के माध्यम से, जिनका भी किसान क्रेडिट कार्ड है, जिनका भी राशन कार्ड है, उन किसानों को हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा 2 बकरी 1 बकरा 1 बकरी का वितरण किया जाएगा हमारे मोदी जी के द्वारा और जितने भी किसान हैं उन किसान का क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हर परिवार को अपने स्वेच्छा से अगर 1.5 एकड़ से ऊपर अगर वो तालाब कराना चाहेगा तो सरकार के माध्यम से, मोदी जी के माध्यम से उनको सब्सिडी दिया जाएगा।